आज बनाते हैं पनीर घी रोस्ट। पनीर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शाही पनीर हो, पनीर मखनी या पनीर बटर मसाला, ये सब कोई कितना खाएगा। दैट्स व्हाई हम आज तैयार करेंगे पनीर घी रोस्ट। पनीर घी रोस्ट साउथ ऑफ इंडिया की बहुत ही फेवरेट लजीज और बेहतरीन प्रिपरेशन है। मैंगलोरियन स्टाइल की ये डिश सबसे पहले कुंदापुर में बनी थी। इसमें एक खास पेस्ट और दो तरह की रेड चिलीज डलती हैं, इसलिए इसका फ्लेवर प्रोफाइल बहुत ही अमेजिंग है। सो कम ऑन, लेट्स सी हाउ इट्स मेड। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई ले लीजिए। इसमें दो बड़े चम्मच घी का हम इस्तेमाल करेंगे। दो अनियंस जो हमने फाइन चॉप करे हैं वो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अनियंस को हमें अच्छे से सौते करना है, भूनना है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना है कि इनका कलर हम ब्राउन नहीं होने देंगे। इनकी रॉनेस करके हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाना है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखते हुए कि कलर चेंज नहीं होगा अनियंस का। 1-2 मिनट मुझे लगता है और पकेंगे अनियंस। अब इसमें हमने वो खास पेस्ट ऐड कर दिया जो सूखी लाल मिर्चें और खड़े मसाले के कॉम्बिनेशन से बनी थी। इस पेस्ट को इस मसाले में मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमें इस पेस्ट को भूनना है। देखिए, जब आप 10-12 मिनट तक आप भून लेंगे तो ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देगी। ऑयल रिलीज़ हो गया है, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। ये है सूजी, 2 छोटे चम्मच मैंने रोस्ट करके रखी हुई है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम दही में मिला के ऐड करेंगे। दही और सूजी मिला के हमने इस पेस्ट मसाले में ऐड कर दी। ये पनीर जो हमने भुना हुआ था इसको भी काट के सब्जी में ऐड कर देंगे। ये देखिए, ऑयल रिलीज हो गया अच्छे से दही को भूनने के बाद। तकरीबन 10 मिनट हमने इसे और भुना है। थोड़ा सा इसे स्टर करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ग्रेवी बॉटम से चिपकने ना पाए, तले ना लगे, इसलिए हम बीच बीच में हिलाते जाएंगे। ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इमली वाटर, 3/4 टीस्पून गुड़ का पाउडर, 2 कटे हुए रोस्ट पनीर के टुकड़े। इनको अच्छे से स्टर करिए, 5 मिनट और पकाइए, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिए और इस सब्जी को एंजॉय करिए।
इसे खाएं राइस, चपाती या डोसे के साथ। इसे ट्राई करें, बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम होपफुल ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। वेयर इज़ माई टी? मुझे चाय चाहिए। आई नीड एनर्जी।